हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति जिप्सी पावर ब्रेक इंस्टॉलेशन के बारे में। जनरली मारुति जिप्सी में शोरूम से जो मैन्युफैक्चरों की गाड़ी आती है, ना इसमें पावर ब्रेक होता है ना ही पावर स्टीयरिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पावर ब्रेक के बारे में। इसमें पावर ब्रेक ना होने के कारण इसका ब्रेकिंग ना बिल्कुल इनफेक्टिव है। हाईवेज पे व्हेन यू क्रॉस अराउंड 80-90 स्पीड पे आप जब ब्रेकिंग करते हो गाड़ी का, तो इसका ब्रेकिंग बिल्कुल इनफेक्टिव है, सेफ नहीं है ब्रेकिंग। तो इसके लिए, इस वजह से हम लोग इसमें पावर ब्रेक इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं जो जो जरूरत है सामान इसको ऑल्ट्रेशन करने के लिए, पावर ब्रेक बनाने के लिए गाड़ी को, अभी सिंस इट्स नॉट ओरिजिनल तो इसको ऑल्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो ऑल्ट्रेशन को क्या क्या जरूरत है, क्या क्या प्रोसेस है उसका, सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप भी अपनी जिप्सी में पावर ब्रेक इंस्टॉल करवा सके। hey guys, अपना छोटा वाला सिलेंडर नॉर्मल ब्रेक, इसको पावर ब्रेक करने के लिए हमको ना यहाँ पे बड़ा वाला मास्टर सिलेंडर ऐड करना पड़ेगा, बूस्टर, बड़ा बूस्टर। और इसको एक्स्ट्रा कंप्रेशन के लिए जो मैनिफोल्ड होता है वहां से पाइपलाइन देंगे कंप्रेशन को, तो अपनी गाड़ी बन जाएगी कंप्लीट पावर ब्रेक। तो गाइस, ये जो मास्टर सिलेंडर है बहुत दिन से नहीं खुला है, 1991 की गाड़ी है ना, तो सारे नट बोल्ट्स जाम हो गए इसके, तो इसको अपने तरीके से खोलना पड़ रहा है आराम से बिना बॉडी को डैमेज करे हुए। एक्चुअली कुछ लिक्विड तो ये निकालने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट और मार्केट से लाएंगे आल्टो केटन का सिलेंडर बूस्टर के साथ वाला मास्टर सिलेंडर। तो गाइस, हम लोग आगे गाड़ी के अंदर, तो ये बीच वाला ब्रेक पैडल खोलना है। एक्चुअली पूरा असेंबली खोलना पड़ेगा, तो यहीं से खुलेगा असेंबली, ब्रेक पैडल असेंबली खोलना है पूरा, क्लच और ब्रेक का। हमारा मास्टर सिलेंडर खुल गया, मास्टर सिलेंडर हमारा, इसको सिर्फ बूस्टर ऐड करना है, बड़ा बूस्टर ऐड करके पाइपलाइन जो कंप्रेशन, एक्स्ट्रा कंप्रेशन के लिए पाइपलाइन जरूरत होती है वो ना मैनिफोल्ड खोल दे उसका, मैनिफोल्ड से लेंगे। तो ये है गाइस अपना मारुति जिप्सी का ओरिजिनल मास्टर सिलेंडर, इसको हम रिप्लेस करके आल्टो का केटन का डालेंगे मास्टर सिलेंडर विद बूस्टर। और ये है अपना मैनिफोल्ड, इसको रेडमिशन भेजना है। स्लॉट बनेगा यहाँ पे पाइपलाइन डालने के लिए बूस्टर को, एक्स्ट्रा एयर कंप्रेशन के लिए। हमारी गाड़ी ये फिटिंग के बाद पावर ब्रेक बन जाएगी। तो ये है गाइस अपना मास्टर सिलेंडर विद बूस्टर, ये 4 वोल्ट्स वाला है, तो इसको इसके अकॉर्डिंगली इसको बनाना पड़ा ये असेंबली को। इसको 2 ही होल्स थे, पूरा गैस वेल्डिंग करवाया गया, कट कराया गया है, पूरा होल बड़ा कर गया है इसका। और ये अपना K10 का, आल्टो K10 का बूस्टर है, मास्टर सिलेंडर विद बूस्टर। तो गाइस, ये है अपना मैनिफोल्ड, ये वाला जो वॉल एक्स्ट्रा डालना पड़ा अभी जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, ये लेमिनेशन वर्क से हुआ, एंड इससे कनेक्शन पाइपलाइन जाएगा अपने बूस्टर को फॉर कंप्रेशन। और ये अपना इंटीरियर गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर, ये ओरिजिनल जिप्सी के सीट्स जो गाड़ी के साथ आते हैं फ्रंट वाले, ओके। तो रियर वाला जो है ना, इसको साइड बाय साइड सीट्स आते हैं, एक्चुअली 7 सीटर गाड़ी की तरह साइड बाय साइड, वो कंफर्टेबल नहीं था तो मैं टॉप के हिसाब से ये सीट डलवाया था, सेंटर सीट। ये सेंटर सीट ना बहुत कंजेस्टेड है, कंफर्टेबल नहीं है, ना ही ये सीट कंफर्टेबल है, ना ही ये सीट कंफर्टेबल है। तो हम लोग गाड़ी की सीटिंग पूरी चेंज कर रहे हैं इंटीरियर अंदर से। तो पीछे हम डालेंगे इनोवा के सीट्स, एंड सामने बकेट सीट्स आएंगे। मैं अभी ये पावर ब्रेक का काम होते ही वहीं जाऊंगा, सीटिंग काम तो चल रहा, सीटिंग का सिर्फ फिटिंग का है। पीछे इनोवा के सीट्स है, सोफा टाइप, लंबे, कंफर्टेबल, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं बिना हेड लगे हुए आराम से। एंड सामने भी बाकी हेडरेस्ट वाले सीट्स आएंगे। और ये सीट्स में ना बहुत प्ले है, डिस्टर्बेंस है, और सीट पीछे भी है नया ड्रे, तो बकेट सीट्स आएंगे तो अच्छा कंफर्टेबली लॉन्ग राइड पे भी जा सकते हैं। सी दिस, 3.5 फीट की सीट है पीछे, सेंटर सीट। ये नॉर्मली जीप्स में आती है, बट इसमें डलवाया मैं, इतना स्पेस पूरा बेकार जा रहा जो स्पेस है ना। तो अब जो सीट इनोवा की बैठेगी वो सारा फुल कवर होगा। फिटिंग के टाइम में और एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये गाइस, अब यहाँ पे 4 होल्स मारना पड़ेगा उसको बोल्ट्स मैच करने के लिए अपने बूस्टर को। तो ये ऑल्ट्रेशन काम है पूरा, अब होल्स मारना है 4 हो मैच करके, इसके बाद अपना बूस्टर यहाँ पे बैठेगा। तो ये गाइस, अब पूरा ऑल्ट्रेशन वर्क करना है, ये बूस्टर की तरह बूस्टर को मैच करने के लिए 4 होल्स मारना है। तो अभी यही काम चल रहा है, पूरे होल्स ड्रिल करे बाद होल को एक्सपैंड भी करना है बीच वाला, ताकि बूस्टर अंदर बैठ सके कम्प्लीटली। तो ये
तो गाइस ये बैठ गया अपना मास्टर सिलेंडर, और मैनिफोल्ड फिट करना है और सारे पाइपलाइंस कनेक्शन देना है एंड अपना कूलेंट भी डालना है इसमें, और जो है ना पाइप कनेक्शन देना है, ये पाइप्स फोल्ड करना है राइट से लेफ्ट करना है इसको, और ये पैडल असेंबली पूरी फिट करना है कम्प्लीटली। इसके बाद हम लोग पूरा फिट करे बाद इस चेक करेंगे गाड़ी को। तो गाइस ये पाइपलाइंस को एक्चुअली पहले वाले मास्टर सिलेंडर को राइट में थे, आई मीन लेफ्ट में थे, तो इसको बेंड करके लेफ्ट में कनेक्शन देना पड़ रहा है। अब ये मारुति K10 का रहने से ज़्यादा ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे डायरेक्टली ये फिट हो जा रहा। फ्लेक्सिबल पाइपलाइन से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ ब्रेक पाइप ब्रेक होने का, तो अब ये पाइप फिट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग पूरा फिट करके हम चेक करेंगे ब्रेक को। तो ये हो गए पाइपलाइन से फिट, पूरा ओरिजिनल अल्टर का जैसा दिख रहा ही नहीं, ये आल्टो K10 का रहने से अपने को सुजुकी का रहने से मैच हो गया सारे चीज़ें, अल्टर का जैसा दिखाई नहीं, अच्छा मैच हो गया, अच्छा फिट हो गया। तो गाइस अपना मैनिफोल्ड भी फिट हो गया, तो आप जैसा देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा वॉल ऐड करा गया है यहाँ पे, ये लेथ मशीन से करवाया गया है, तो एक्स्ट्रा ये वॉल जो है ना अपने कंप्रेशर को एक्स्ट्रा कंप्रेशन देगा, यहीं से एयर जाएगी मैनिफोल्ड से। तो गाइस अपना कॉबर्टर फिट हो गया और एयर फिल्टर फिट हो रहा, स्नॉर्कल भी कनेक्शन यहीं हो जाएगा। मैं स्नॉर्कल कनेक्शन का भी वीडियो डालूंगा, हम लोग ने स्नॉर्कल कनेक्ट कर दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो मैंने स्नॉर्कल किट मंगाया था ये MPFI इंजन का था, तो इसको अल्टर करना पड़ा, अल्टर करके पाइप से डालना पड़ा, लेकिन अब कनेक्शन तो चालू है, सब ओके चल रहा है। यहाँ पे अल्टर करने के बाद जैक का भी स्लॉट जो जैक का रखने का था वो भी काटना पड़ा, अल्टर हो गया, कनेक्शन डन। तो गाइस ये रहा पावर ब्रेक इंस्टॉलेशन का वीडियो मारुति जिप्सी में। तो नेक्स्ट अगर मुझे 500+ लाइक्स मिले इस वीडियो पे, तो मैं नेक्स्ट इसको पावर स्टीयरिंग अपग्रेड कराऊंगा। मैंने जैसे कहा था कि जिप्सी में पावर स्टीयरिंग नहीं आती है, शोरूम से मैन्युफैक्चर नहीं होता है कंपनी से जेन्युइनली, तो इसको ऑल्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो मुझे अगर इस वीडियो पे 500+ लाइक्स मिले, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो पावर स्टीयरिंग इंस्टॉलेशन के बारे में बनाऊंगा। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे जिप्सी लवर्स से, ताकि वो लोग भी अपने जिप्सी में पावर बैंक इंस्टॉल कर सके। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।